नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है बच्चों। जैसा कि आप सभी को पहले बताया गया था कि मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट को 15 जून यानी कि आज जारी किया जाएगा, तो आज के अखबार में एक अपडेट आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि आज आप सभी को रिजल्ट को जारी नहीं किया जाएगा। तो किस दिन जारी किया जाएगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं बच्चों पूरी अपडेट को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस माह के अंत तक मैट्रिक इंटर का रिजल्ट, ये जो न्यूज है बच्चों आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपा हुआ है। देखिए इसमें आगे लिखा गया है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी में है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने बताया कि इस माह के अंत तक यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। पंचायत चुनाव की वजह से मूल्यांकन कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन अब सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया है। देखिए बच्चों, अभी आपका हाल फिलहाल में ही आपका पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है। लगभग एक महीना तक आपका पंचायत चुनाव चला, इस वजह से आपके रिजल्ट में देरी हुआ है। लगभग सभी बोर्ड का, आपका हो गया बिहार बोर्ड, हो गया राजस्थान बोर्ड, हो गया यूपी बोर्ड, हो गया सभी बोर्ड का रिजल्ट लगभग लगभग जारी कर दिया गया है। सिर्फ आपका जैक बोर्ड का रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया है। तो इसका कारण क्या है, पंचायत चुनाव। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया बच्चों कि आज आपका रिजल्ट जारी नहीं है कि नहीं किया जाएगा, इस माह के अंत तक आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सर इस माह के अंत तक कौन से तारीख के बीच रिजल्ट आने की संभावना है। तो देखिए बच्चों, सारा कुछ मैं आपको बताता हूं। देखिए आप लोगों ने तो इस नोटिस को पहले भी देखा होगा बच्चों। यह नोटिस आपका, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा के संबंध में आयोजित सूचना है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी हुई थी। इसमें देखिए क्या लिखा गया था, यह नोटिस फिर से मैं बता देता हूं। यह नोटिस जो था बच्चों, अभी तक जो जो स्कूल ने प्रैक्टिकल परीक्षा जो हुआ था उसका अंक क्या हुआ था, जैक के वेबसाइट में अपलोड नहीं किया था, उसको जैक ने एक और मौका दिया था और कहा था कि आप अपने अंक को कोई भी रजिस्टर में लाइए और जैक ऑफिस में ला करके जमा कीजिए। तो इसका लास्ट डेट क्या था बच्चों, 14 तारीख। देखिए यहाँ पे लिखा गया था आपका लास्ट डेट यहाँ पे 14/6/2022, ठीक है। संध्या 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं, इसके बाद जमा नहीं होगा। यानी कि पूरी तरह से आपका जो नंबर होता है बच्चों वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया था, 14 तारीख लास्ट डेट था। तो 14 कल वहां पे क्या होगा, कल 5 बजे तक आपका जमा हुआ होगा जो जो स्कूल का छूटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका 3 से 4 दिन लगेगा अंक अपलोड होने में। यानी कि यहाँ पे अगर आप रजिस्टर से ले जाकर के क्या किए, जमा दिए जैक में, तो जैक तुरंत साथ ही साथ तो अपलोड नहीं ना करेगा, 3-4 दिन तो लगेगा ही अपलोड करने में। 3-4 दिन लगता है आपका अपलोड करने में, नंबर लगेगा। तो मान के चलते हैं आपका 19 तारीख को क्या हुआ बच्चों, 18 तारीख मान लेते हैं, 18 तारीख, 18 तारीख को क्या हुआ, आपका जैक ने जो प्रैक्टिकल परीक्षा है और भी और नंबर है उसको अपलोड किया, ठीक है, उसको अपलोड किया। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन आपका वेबसाइट फ्रीज रहता है। देखिएगा अगर आपने क्लास 10th का रिजल्ट को चेक किया होगा, 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने 9th का तो एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी होगा किसी ने एग्जाम दिया होगा, 12th वाले बच्चे आसानी से समझ गए होंगे कि अगर आप रिजल्ट को चेक करते हैं तो देखिएगा 1-2 दिन पहले रिजल्ट आने की पता चलते जाता है कि 1-2 दिन पहले आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो उस समय अगर 1-2 दिन पहले अगर आप चेक करते हैं बच्चों तो वहां पे आपको देखिएगा साइन अप मांगता है, ठीक है। साइन अप मांगता है, किस लिए मांगता है, क्योंकि वेबसाइट आपका फ्रीज हो जाता है, सिर्फ अधिकारी, तो वहां के जैक के जो अधिकारी होते हैं बच्चों, जो वहां के क्लर्क होते हैं, वही इसको ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 दिन फ्रीज रहता है, तो आपका कब हो गया, 18 से 3 यानी कि 21। तो मेरे अनुसार आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो 22 से आपका 27 तारीख के बीच में आ सकता है। कब से, 22 से 27 जून के बीच में आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जा सकता है, ठीक है। इधर आपका 1 सप्ताह तक कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, आप लोग आराम से रहिए, ज्यादा परेशान मत हुई। इधर कुछ और अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दूंगा। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9 और 11 के कोई भाई बहन है तो आप लोग इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आप सभी का क्लास 12 वालों की तैयारी बेहतरीन ढंग से करवाया गया था, उसी प्रकार से इसका भी तैयारी स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो उसे आप लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।